सो ये सब स्लीपर बसेस है, आई मीन इसके अंदर आप सो सकते हैं, यू नो द बर्थ. सो स्लीपर बर्थ्स जो है दैट इज़ फ्रॉम 5 PM टू 9:30 AM और चार्जेस यू कैन सी पर बेड 100+ ब्लैंकेट. सो ये वाला साइट सीइंग है आज 9 AM टू 5 PM 300 rupees पर पर्सन. किसी पकड़ना है, ये देख मेरी वाइफ भाग गई. सामने कोई केव है, लेट्स सी. राजमंडी एम कैंटीन हमारा लंच. क्या नाम है इसका? चट्टी छोड़ो. तो हम लोग तो ये जीप में जा रहे हैं आगे बैठ के. वाइफ डर के इतना चल रही है, इतना बड़ा रोड है फिर भी. हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो ट्रैवल. तो आज मैं हूँ यहाँ पे मुन्नार में और हमारा आज जो प्लान है दैट इज़ मुन्नार साइट सीइंग बाय KSRTC बस. सो ये KSRTC बस स्टैंड मुन्नार का छोटा सा, और यहाँ ऑपोजिट ये साइड पे आपको सब कॉटेजेस वगैरह रहने के ऑप्शंस मिल जाएंगे. ये मेरी वाइफ एज यूजुअल लेट, तो हम लोग यहाँ गली में ही कहाँ पे जो सब कॉटेजेस है वहाँ पे रुक रहे हैं. तो हम कल शाम को गए थे टू चेक कि क्या क्या यू नो दर्शन है मुन्नार का. सो दे सेड कि 9 AM का एक दर्शन है एंड टू कम एट 8:30 एट द बस स्टैंड, ताकि वो टोटल पब्लिक जो भी अकाउंट लेके देन दे कैन स्टार्ट. सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर KSRTC दर्शन, आई वुड एडवाइस कि वो दिन या एटलीस्ट वन डे बिफोर स्टे नियर द बस स्टैंड, बिकॉज वो ईजी पड़ता है, वॉकेबल डिस्टेंस है एंड यू कैन यू नो get up at your time, because I'm sure cold weather mein uthne ka man nahi karta, so staying a bit near helps. So right now 8:21 AM, quickly wahan pe ja ke dekhte Minnal bus, and in fact you can even stay here. KSRTC ka jo sleeper beds hai bus stand ke andar hi available hai. I'll show that. सब स्लीपर बहुत से अंदर फॉर पीपल टू स्लीप. दिस इज द बुकिंग काउंटर टूरिज्म का. सो स्लीपर बर्थ्स जो है दैट इज़ फ्रॉम 5 PM टू 9:30 AM और चार्जेस यू कैन सी पर बेड 100+ ब्लैंकेट एंड एडिशनल चार्जेस. सो ये वाला साइट सीइंग है आज 9 AM टू 5 PM 300 rupees पर पर्सन. तो यहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटी है, प्लस उधर जो है नहाने का फैसिलिटी भी है फॉर बोथ लेडीज एंड जेंट्स. तो ये है, तो ये साइड का लेडीज है, उस साइड का जेंट्स का. तो ये सब स्लीपर बसेस है, आई मीन इसके अंदर आप सो सकते हैं, यू नो द बर्थ 100 रुपये दे के. अच्छा, इन साइड से दिखा देता हूँ. यहाँ से कुछ लेना देना नहीं चलेगी बस. सो थोड़ा बहुत प्रीटी मच लाइक ट्रेन का जो बर्थ होता है वैसे ही है यहाँ पे ऐसे एंड दैट साइड. सो ये सिंगल बर्थ ट्रेन के हिसाब से, जस्ट लाइक योर ट्रेन, बट पिलो वगैरह कुछ नहीं है. यू हैव टू परचेज. चार्जिंग पॉइंट भी नहीं है. यू हैव वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटी और यहाँ पे चार्जिंग का ऑप्शन रहेगा यहाँ पे.
सो इफ़ यू गाइज आर लाइक बैचलर्स और समथिंग, और तुम लोग को यू नो सस्ता कुछ लॉजिंग चाहिए, सो डेफिनेटली ये बस स्टैंड के अंदर ही जो स्लीपर बर्थ्स प्रोवाइड करते हैं, इट्स अ बेस्ट ऑप्शन इवन फॉर ग्रुप पीपल. आई थिंक जो गाइज ज़्यादातर ग्रुप में आते हैं वो यहाँ पे रुकते हैं. इनफैक्ट आप पूरा का पूरा बस भी बुक कर सकते हैं यू नो बर्थ वाइज, तो यू कैन हैव दैट टू योर सेल्फ वैन लाइक अ बिग फैमिली हो या बिग ग्रुप हो, यू कैन बुक दी एंटायर बस एज वेल. सो आई थिंक वो शाम को ही चालू होता है बुकिंग का, द प्री बुकिंग ऐसा कुछ अलाउड नहीं है आई थिंक, आई जस्ट चेक, बट एज फार एज आई नो कि उन्होंने बोला था आपको डायरेक्ट शाम को आके यू कैन बुक. यही तो नहीं, नहीं पहले खुश हो गया, मुझे लगा यही बस है. तो ये सब बसेस एक्चुअली मेन स्टार्टिंग पॉइंट जो मुन्नार सिटी जो ऊपर आगे है वहाँ से आते हैं, मतलब यहाँ से ही जाके वापस. तो अभी जस्ट टिकट्स खरीद रहे हैं फॉर द पैकेज, दो जन का तो 600 एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है सीटिंग का. सो ये डिटेल्स दिया है साइट सीइंग का, बट आई डोंट नो कौन सा अवेलेबल, अभी 300 वाला तो मिल गया, अदर्स आर नॉट एक्टिव एज ऑफ नाउ, सो यू कैन कॉन्टैक्ट द नंबर्स अवेलेबल पूछ के फिर देन अकॉर्डिंगली बुक. आई डोंट नो बट अगर यही बस है शायद से. ये वाली बस है, आई डिडंट एक्सपेक्ट, तो लिखा है इफ यू कैन सी साइट सीइंग, पूरा मिस्टी है बट ऊपर दिख रहा है साइट सीइंग लिखा है. तो अभी फिलहाल गाड़ी गर्म कर रहे हैं, या आईना तो पूरा कवर्ड है पूरा ड्यू मिस्ट से. चलो आई आई, अभी फटाक से जाके सीट पकड़ना है. ये देख मेरी वाइफ भाग गई. सो नॉट बैड, मुझे लगा वो वाली बस रहेगी जो ब्लू एंड वाइट है, उससे तो थोड़ा अच्छा है, आई मीन सीट्स अच्छे हैं इसके, दैट आई नो. लेट्स चेक आउट द इंटीरियर्स. कंडक्टर रहेगा थोड़ी, रिक्लाइनर सीट्स है इफ यू कैन सी. सो 9:30 को स्टार्ट होता है. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर कॉपीराइट सर, गाना अभी से चालू हो गया है ऑफिशियली लीविंग. तो अभी हम मेन सिटी की तरफ जा रहे हैं, इसका पूरा एक एलिफेंट का स्ट्रक्चर. तो ये फर्स्ट पॉइंट इज सिग्नल पॉइंट, डोंट नो व्हाई सिग्नल. सो इसका नाम सिग्नल पॉइंट इसके लिए पड़ा क्योंकि जो BSNL का टावर था सबसे पहला सिग्नल इधर आया था, सिग्नल पॉइंट, दैट्स व्हाई. तो अभी तो 10 मिनट का हॉल्ट पे के बाद towards the next destination. So I think the next point is Lockhart viewpoint. Yeah, shooting. पत्थर है, आई डोंट नो, वाइट वाइट जो दिख रहा है ये पार्ट ऑफ
थोड़ा स्विट्जरलैंड जैसा लग रहा है। सो ये है लोकहार्ट व्यू पॉइंट। सो ऐसा दिख रहा है बर्फ है, बट बर्फ नहीं है, शाइन है, रिफ्लेक्शन स्टोन। सो यहाँ से उधर जाके फोटो वगैरह जो है खिंचवा सकते हो, गेट योर फोटोज वगैरह देयर। पूरा टी स्टेट में दूर दूर तक से पहाड़ दिख रहा है, वो भी मुश्किल से दिख रहा है, सब फॉग मिस्ट। सामने कोई केव है, लेट्स सी। कुछ नहीं बेसिकली, पानी भी नहीं, थोड़ा गिर रहा ऑरेंजेस, ऑरेंज प्लांट्स। तो नीचे उधर डैम की तरफ जाने वाले, इसके पहले ऐसा स्मॉल हॉल्ट। ये
ये सब कार्डमम प्लांट्स, ये जो बड़े दिख रहे हैं कार्डमम प्लांट्स। ये है अनायर अंकल डैम। तो इतनी खूबसूरती यहाँ पे, नेचुरल ब्यूटी। तो हमारा बस उधर ही रुका डैम के बाद, वापस वही रास्ते से आगे दिख रहा है। लेट्स टेक दैट आउट। PM स्पाइसेस खरीदने के लिए हॉल्ट। PM लंच ब्रेक। चलो मस्त नॉनवेज खाने। राजमा भी है हमारा लंच। क्या नाम है इसका? चट्टी छोड़ो। थैंक यू। सब जो भी करी है यूज़ करने के लिए, और ये सब जो भी ये रिफिल होता जाएगा ना, सिर्फ नॉनवेज जो है। तो मस्त, वो क्या डिश का नाम क्या था? चट्टी पोतरे। मस्त था। और जो होस्ट या जो ओनर है बहुत हाउ डू यू से स्वीट एंड कोऑपरेटिव फ्रेंडली। तो अभी और बाकी के लोग थोड़ा कुछ मीठा लेने गए, देन विल कंटिन्यू। जो लास्ट हॉल्ट है, लास्ट डेस्टिनेशन चट्टुरंगा पारा। तो यहाँ से रास्ता है कुछ, यू कैन टेक जीप या तो चल के भी जा सकते हैं 15 मिनट्स, दैट इज़ व्हाट ड्राइवर्स है, बट ज़्यादा हो सकता है। जीप का चार्जेस है 600 फॉर द एंटायर जीप, सो कुछ रहेगा 100-150 पर पर्सन। तो हम लोग तो ये जीप में जा रहे हैं आगे बैठ के। अभी आई थिंक कुछ डिसाइड कर रहे जो टोटल कितना चार्जेस होने वाला। हम लोग टोटल कुछ 80 रुपीज़ पर पर्सन हुआ ऐसा टोटल। तो पहली बार विंडमिल को इतना नज़दीक से देख रहा हूँ। यू कैन एक्चुअली लिसन टू द नॉइस।
ब्लेड्स के। वाइफ डर के इतना चल रही है, इतना बड़ा रोड है फिर भी, आई मीन स्टीप है रियली। तो यहाँ से पूरा सिटी दिख रहा है या स्टेट पता नहीं। So, ये तो एक डेफिनेटली मस्ट कम प्लेस है। अरे खत्म है रास्ता। ये देखा वाइफ इतनी डरती है ना। तब से डर लग रहा है मुझे। ऑलमोस्ट फॉग वहाँ पे तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, पहाड़ विजिबल भी नहीं है अभी वहाँ के। सब आगे ही है देख, पीछे से देख डायनासोर नहीं आ रहा है ना, द पॉइंट जस्ट टू बी श्योर। तो इसको कुछ सुसाइड पॉइंट बोला था ना, देखना इतना मेहनत करके सुसाइड करना, तो ये शायद से सुसाइड पॉइंट। So I think that was about it. Last point. अभी सीधा मुन्नार बस स्टैंड। अरे बाप। तो वो जीप का जो वो चार्जेस था 100 rupees पर पर्सन और 600 rupees फॉर द जीप, तो 6 जन थे, सो दैट केम टू 100 पर पर्सन। 3:20 हुआ अभी, नेक्स्ट स्टॉप मुन्नार बस स्टैंड। रीच्ड मुन्नार बस स्टैंड 4:45 PM। सब 7 पॉइंट्स कवर करने के बाद, लास्ट पॉइंट कवर करने के बाद सब लोग सो ही गए थे बस में। सो गुड ट्रिप, कन्वीनियंट आई थिंक, चीप भी है, नॉमिनल रेट पे हो गया पूरा ट्रिप। सो
सो मिलते जल्दी नेक्स्ट ट्रिप पे, ठीक है।